स्टार प्लस पर साल 2018 में आया सीरियल नजर तो आपने देखा ही होगा, जिसमें 250 साल की डायन मोहना जवान रहने के लिए इंसानों को मारती रहती है और अब उसका शिकार राठौर परिवार बनता है, जिस पर ये उसकी बुरी नज़र हमेशा रहती है, जिसके कारण मुसीबत और दुर्भाग्य हर जगह उस परिवार का पीछा करते हैं। परिवार को बर्बाद करने वाली इसी डायन की कहानी को शो के कलाकारों ने अपने किरदारों में पिरोकर बेहद ही खूबसूरती के साथ पर्दे पर उतारा था और साथ ही सीरियल को सुपर डुपर हिट भी बनाया था। शो को अगर आपने देखा होगा तो आपने गौर किया होगा कि इस शो के कलाकार अपने किरदारों के अनुसार अलग अलग तरह की जिंदगी जीते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि जब शो ऑफ एयर हो गया था तो इस शो के ऑफ एयर होने के बाद वो सभी कलाकार आज अपनी असल जिंदगी में कैसी जिंदगी जी रहे हैं, इसी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि आज के इन कलाकारों के बारे में आज हम आपको इनके हालात के बारे में बताने वाले हैं, जिसे देखकर आप भी बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो फिर चलिए एक एक कर जान लेते हैं कि कौन से कलाकार आज कैसी जिंदगी जी रहा है। नंबर एक, किशा अरोड़ा। प्रिया और अंश की डायन बेटी परी के किरदार में बाल कलाकार किशा अरोड़ा नजर आई थी, जो कि अपने इस किरदार के अनुसार लंबी चोटी और फ्रॉक में नजर आती थी। वहीं इन बीते सालों में ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई हैं। ये आज 8 साल की उम्र में बेहद ही ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल नजर आती हैं। आज ये छोटे छोटे बालों और स्टाइलिश फ्रॉक कैरी करती हैं, जिससे कि आज इनका लुक काफ़ी ज़्यादा चेंज्ड नजर आता है। लेकिन इस शो के बाद इन्होंने किसी और शो में काम नहीं किया, जिसके चलते आज ये अपने परिवार के साथ ही मुंबई सेटल्ड हैं। नंबर दो, दीवान ध्यान टलाविया। और अंश के देवंश बेटे आदित्य का किरदार निभाते हुए एक्टर ध्यान टलाविया नजर आए थे, जो कि शो में अपने किरदार के अनुसार जबरे बाल और जीन्स शर्ट वाले लुक में नजर आए थे। लेकिन इन बीते सालों में ये आज काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं। वर्तमान में 10 साल की उम्र में आज फॉर्मल पर्सनैलिटी के मालिक बन चुके हैं, यानी कि ये आज ब्लेजर सूट में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और क्यूट नजर आते हैं। लेकिन आज ये किसी भी शो में काम ना करके अपने परिवार के साथ ही खुशहाल लेकिन गुमनामी भरी जिंदगी जी रहे हैं। नंबर तीन, हर्ष राजपूत। शो के मुख्य अभिनेता देवांश अंश के किरदार में हर्ष राजपूत नजर आए थे, जो कि शो के अंदर अपने किरदार के अनुसार एक लग्जरियस जिंदगी जीते थे और काफ़ी महंगे कपड़े पहनते थे, साथ उनके बाल भी काफ़ी ज़्यादा लंबे थे। लेकिन आपको बताते चलें कि अंश के किरदार में आलिशान जिंदगी जीने वाले ये एक्टर आज भी एक आलिशान जिंदगी ही जीते हैं और उनके हिसाब से इस लुक काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। आज ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और स्टाइलिश नजर आते हैं और काफ़ी स्टाइलिश कपड़े भी कैरी करते हैं अब। लेकिन उन्होंने अपनी बियर्ड को काफ़ी ज़्यादा छोटा कर लिया है, जिसके चलते आज इनका लुक पहले से काफ़ी ज़्यादा हटकर और अलग नजर आ रहा है। नंबर चार, मोनालिसा। सूट सलवार पहने लंबी चोटी वाले डायन के किरदार में मोनालिसा नजर आई थी और अपने इस किरदार के अनुसार ही काफ़ी ज़्यादा आलिशान जिंदगी जीती हुई भी नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि डायन बनकर आलिशान जिंदगी जीने वाली यह अदाकारा रियल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा आलिशान जिंदगी जीती हैं मुंबई में ही, जिसके चलते इन्होंने अपने लुक को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर लिया है। आज ये बेहद ही मॉडर्न ड्रेसेस कैरी करती हुई नजर आती हैं और इसी के साथ साथ इनका हेयर स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, जिसके चलते आज उन्हें एक नज़र में पहचान पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज भी इन्होंने अपने अभिनय करियर को कंटिन्यू रखा हुआ है और इनका फिलहाल वर्तमान में शो नमक इश्क का चल रहा है। नंबर पाँच, नियति फतनानी। सीरियल में साड़ी वाले सिंपल अवतार में बेहद ही आलिशान जिंदगी जीती हुई नजर आई थी नियति फतनानी। लेकिन आपको बता दें कि आज वर्तमान में ये काफ़ी अच्छी जिंदगी जी रही हैं अपनी फैमिली के साथ, लेकिन इनका लुक काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। आज ये मॉडर्न और स्टाइलिश ड्रेसेस में बेहद ही सुंदर और अलग नजर आती हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि इस शो के बाद इन्होंने किसी शो में काम नहीं किया, जिसके चलते आज ये टीवी से दूर एक गुमनामी भरी जिंदगी बिता रही हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से किस कलाकार के आज के हालात के बारे में जानकर हैरानी हुई है? आप हमें उस कलाकार का नाम और अपना ओपिनियन दोनों ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार और अपडेटेड न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।